बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के टॉपिक में हम स्क्लेरल गामा और कोलन गामा सेल्स और सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। स्क्लेरल गामा सेल्स जो होते हैं, इनकी सेल वॉल, स्पेशली सेकेंडरी सेल वॉल, वो काफ़ी थिक होती है और इसकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन भरा होता है। और लिग्निन एक ऐसा केमिकल है जो पौधे को सख्ती फ्राहम करता है। यह आमतौर पर नॉन लिविंग सेल्स होती हैं और पौधे के अंदर इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, सहारा देना। जो लिग्निफाइड सेल होती हैं, यानी जो लिग्निन है, वो असल में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही है। ये सेल वॉल को टफ बनाता है, हार्ड बनाता है, सख्त बनाता है और इससे पौधे में शक्ति, पौधे को शक्ति मिलती है। जो स्क्लेरल गामा सेल होती हैं, वो आमतौर पर तीन तरह की होती हैं। फाइब्रस, ये आमतौर पर लंबोतरी होती हैं, लंबे भी होती हैं, सिलेंड्रिकल भी होती हैं और ये बंडल कैप बनाते हैं इस तरह आपस में मिलके ना। ये देखें यहाँ पे इस शेप में, देखें तीन आपस में जुड़े हुए हैं सेल्स, तो ये मिलके आपस में बंडल कैप बनाती हैं। तो इस तरह जो है ना, वो इनकी शेप आप देख लें कि ये फाइबर नुमा है। ये अकेला एक सेल दिखाया गया जो कि लंबोतरा है। सेक्लेराइड्स हैं, ये सेक्लेराइड आमतौर पर छोटे सेल होते हैं और ये सीड कोट के अंदर और नट शेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। इनका काम होता है पौधों को के सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसी तरह कुछ वेसल सेल्स होती हैं, ये वेसल सेल्स दिखाए गए हैं, ये भी लॉन्ग ट्यूब मा शेप बनाती हैं आपस में एंड टू एंड मिला के, यानी अपने सिरों को मिला के लंबी लंबी कंडक्टिंग ट्यूब यानी जाइलम नालियाँ बनाती हैं। यानी जो जाइलम नालियाँ हैं वो वेसल सेल्स से ही मिलके बनी होती हैं, जो कि नीचे जड़ों को एरियल पार्ट से जोड़ने और यहाँ से नीचे से खुराक वगैरह, पानी वगैरह की तरसील का काम करते हैं, नमकियात वगैरह स्पेशली। कोलन गामा जो सेल्स होती हैं, इनमें आमतौर पर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इनकी जो थिकनेस होती है वो आमतौर पर एंगुलर होती है, यानी गुलाई के रुख में ये थिकनेस होती है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ये आमतौर पर ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप की शक्ल में मौजूद होंगे। इनका काम होता है हर्बेशियस पार्ट को सपोर्ट देना, यानी पौधे का वो हिस्सा जहाँ पर लकड़ी मौजूद नहीं होती, वुड मौजूद नहीं होती, यानी जो बिल्कुल नरम पोर्शन है, यानी स्पेशली पौधे की कोंपलों की बात हो रही है। छोटा पौधा है तो उसमें अगर वो वुड नहीं है तो उसको भी ये हम हर्बेशियस के अंदर लेती हैं, यानी सब्ज़ हिस्से जो होती हैं और नरम हिस्से इसके पौधे के, उन हिस्सों को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये आमतौर पर इलास्टिक होती हैं। कभी आप पत्ते को देखें ना, तो पत्ते की शेप कुछ इस तरह की होती है, तो पत्ते के अंदर ये दरमियान में मिडरिप गई होती है, ये जो दरमियान में, इसको बोलते हैं मिडरिप। ये मिडरिप को आप घुमा के देखें तो ये घूम जाएगी, मुड़ जाएगी, पत्ता मुड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोलन गामा सेल होती हैं जो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी। ये आमतौर पर इलांगेट होती हैं और जैसे जैसे शुरू में ये गोल होती हैं और जैसे जैसे स्टेम की ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे ये भी इलांगेट होते जाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है कि पौधे की गिर्थ में यानी चौड़ाई में वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से, यानी क्या वैस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन की वजह से पौधे की मोटाई में इजाफे को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये देखें, ये पौधे का तना पहले इतना था, आफ्टर सम टाइम ये देखिए इसके जो ना वो साइज़ में काफ़ी इजाफा हो चुका है। तो ये जो इजाफा है वो किस वजह से है, स्पेशली वेस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ आमतौर पर प्रीनियल प्लांट्स के अंदर आप देख सकते हो। जो प्रीनियल प्लांट्स, वैसे तो हर पौधे के अंदर आपको नज़र आएगी लेकिन प्रीनियल प्लांट के अंदर ज़्यादा वाजी होती है। ये इसके अंदर असल में सेल डिवीजन होती है जिसकी वजह से ये पौधे की मोटाई में इजाफा था, और स्पेशली ये सेल डिवीजन वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के अंदर हो रही होती है।
जैसे ये डायग्राम में देखें कि ये कार्क दिखाया गया है, ये कार्क कैम्बियम और ये वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है जी। तो ये मुतफिसकी पौधे के अंदर, तने के अंदर तहें होती हैं, शाखों के अंदर भी, जिनको हम वैस्कुलर और कार्क कैम्बियम का नाम देते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? ये आमतौर पर सिलेंड्रिकल होते हैं, लंबे 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 होते हैं सेल, और इनकी डिवीजन की वजह से ये असल में डिवाइड करते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान। ये देखें यहाँ पे, ये जो शेप बनाई गई है ना, ये प्राइमरी जाइलम की है, और ये रेड रेड कलर में जो एक सर्कल चल रहा है ना लंबाई के रुख, ये वाला ये सेकेंडरी जाइलम है, इसी सेकेंडरी फ्लोएम है। अब जो प्राइमरी जाइलम है वो ये हैं, ये डॉट डॉट जो आपको दायरे में नज़र आ रहे हैं, और सेकेंडरी जो जाइलम है वो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यानी जो ग्रे कलर का है, ये सेकेंडरी जाइलम है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम के दरमियान जो है ना वो ग्रोथ करती हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होती हैं। जो सेकेंडरी जाइलम है वो पौधे की या स्टेम की थिकनेस में इजाफा करती हैं, और हर साल वहाँ पे एक लेयर बना देते हैं। यहाँ पे देखें कितनी लेयर्स बनी हुई हैं, एक लेयर है बनी हुई है, फिर आगे एक और लेयर है, फिर आगे एक और लेयर है। तो इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ये एनुअल रिंग तकरीबन साल में एक बन जाती है, जो ट्रीज़ हैं, हर एक में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि एक साल बाद एक रिंग बनती है। तो हम इसके रिंग को काउंट करके ट्री की एज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब प्लांट के अंदर सेकेंडरी जाइलम और जो प्राइमरी जाइलम है, उनमें मोस्टली खुराक पानी की तरसील के लिए, पानी की कंडक्शन के लिए, साल्ट की कंडक्शन के लिए सेकेंडरी जाइलम को यूज़ करते हैं। प्राइमरी जाइलम जो ओल्ड हो चुकी होती हैं उनको इनएक्टिव फॉर्म में रिंग की सूरत में वो पड़े रहते हैं। जो एक्टिव पोर्शन होता है यानी जहाँ से जाइलम और फ्लोएम की नालियाँ वर्क आ रही होती हैं, उस हिस्से को हम बोलते हैं सैपवुड। ये सैपवुड है इतनी इतनी, और जो इनएक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं हर्टवुड। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है। तो हर्टवुड में बहुत सारे केमिकल आके ऐड हो जाती हैं, जैसे रेसन्स हैं, ऑयल्स हैं, गम्स हैं, टैनिन्स हैं कुछ। उसके बाद हम वो केमिकल को निकाल के टैनरीज के अंदर यानी रंगने के लिए जो रंग यूज़ करते हैं वो यहीं से निकालते हैं कुछ प्लांट के अंदर से। तो ये जो केमिकल है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाती हैं, जो कि इसको डिके के दौरान, यानी आप इस ब्लैक लकड़ी से कोई फर्नीचर बना लेना तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो चुका हुआ है और उसके ऊपर कोई इंसेक्ट वगैरह अटैक नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल जो है ना वो रेड स्टार और कॉनिफर इसकी एग्जांपल्स हैं। अब एक और छोटा सा पॉइंट है कि कुछ प्लांट के अंदर ना कैलस फार्मेशन होती है, होता यह है कि जहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर ज़ख़म हो जाए ना, ज़ख़म के साइडों के ऊपर कुछ नरम नरम से सेल बनते हैं ये वाले। तो ये जो नरम नरम सेल्स हैं ये इसको हम बोलते हैं कैलस। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे वोंड हुआ है वहाँ पे जो जहाँ पे ज़ख़म हुआ है वहाँ पे कुछ नरम नरम से सेल्स बने हैं। तो ये आप अपने इर्द गिर्द पौधों को गौर से देखें, आपको ये कैलस ज़रूर नज़र आएगी, या आप इस तरह का भी आपने कहीं पे देखा होगा। तो ये कैलस जो फार्मेशन है ये पौधों के लिए बहुत अच्छी भी है, जैसे कि ये ब्रांचेस को, टूटी हुई ब्रांचेस को जोड़ने के काम आती है। अगर आप बडिंग करवा रहे हो या ग्राफ्टिंग करवा रहे हो, यानी एक पौधे की शाख दूसरे पौधे के साथ जोड़ना चाह रहे हो, तो तब भी कैलस फार्मेशन होती है, और उसके बाद फिर वो शाखें आपस में जुड़ जाती हैं।